प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सीपी जोशी जी, राजेंद्र राठौर जी, गजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर करोड़ीलाल मीना जी और सभी सम्मानित मंचासीन और यहाँ पे आए हुए राजस्थान के कोने कोने से कार्यकर्ता और जनता जनार्दन, आप सभी का मैं शीश झुका के अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप इतनी दूर से चल करके इसलिए आए हैं कि आप राजस्थान की जनता की आवाज को और बुलंद करने आए हैं और इस गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोगों ने संकल्प लिया है। मैं राजस्थान में लगातार कई वर्षों से आ रहा हूं, कई प्रदेशों में जाने का मौका मिला है, लेकिन यहां से देख रहा हूं अंत तक, जहां भी देख रहा हूं जनता जनार्दन ही दिख रही है। इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए एक साथ इतने बड़े कार्यकर्ता जनसंख्या को, जनता को आज तक मैंने नहीं देखा। यह तब स्थिति है जबकि गहलोत जी उनके सरकार के जो प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने हजारों की संख्या में बसों को जगह जगह पर रोक लिया, उसके बाद भी इतने बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, क्योंकि राजस्थान की जनता कराह रही है, राजस्थान की जनता के मन में दर्द है। बहन बेटियां सुरक्षित यहाँ पे नहीं है, अपराधियों का बोलबाला है, और तो और जो गुंडे बदमाश है वो बगल के राज्यों से आकर के या राजस्थान में अपराध का शरणस्थली बना लिए। जिस राजस्थान में 17 बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन होती है, अरे और तो और 28 जुलाई को गहलोत जी शर्म करो, शर्म से डूब मरना चाहिए, 28 जुलाई को 21 घटनाएं राजस्थान में हुई है, दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ रही है। यह राजस्थान वही प्रदेश है जिस प्रकार से गहलोत जी ने माइनिंग माफियाओं का जाल फैला रखा है। संत विजय दास जी ने आत्महत्या की, आत्मदाह किया है। हमारे साथ नारा लगाएंगे, संत विजय दास का आत्मदाह नहीं सहेगा, संत विजय दास का आत्मदाह, कन्हैया टेलर का बलिदान, लाल डायरी का काला राज, कुर्सी जीवी गहलोत सरकार, सब कुछ कुर्सी के बचाने के लिए, अपने कुर्सी बची रहे उसके लिए पूरे राजस्थान के कानून व्यवस्था को तार तार कर दिया। यहां से हम लोग चलेंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके चलेंगे, जाके विधानसभा के सचिवालय का घेराव करेंगे, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आप लोग आए हैं, चल के सचिवालय का घेराव करेंगे, शांतिपूर्वक घेराव करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चलेंगे। एक बात कहना था कि जिस प्रकार से मंत्रियों के वक्तव्य आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन वक्तव्य आ रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। गहलोत जी और गहलोत सरकार के मंत्रियों का विवेक मर गया है, इनका विवेक शून्य हो गया है, इनका जाना तय है। और मैं गहलोत जी से कहना चाहूंगा कि जो जनता सामने दिख रही है, जो आक्रोश से इतनी भरी हुई है, गहलोत जी 2023 में इतने कम विधायक आएंगे कांग्रेस के कि विधायकों की संख्या भी नहीं गिन पाओगे, 1 से लेकर 20 तक की गिनती कम हो जाएंगी, लेकिन विधायक आपसे इससे अधिक नहीं बढ़ने वाला। आइए सब जरा हाथ उठाकर